तो दोस्तों आज का वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ़ोनपे में से ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस पहले आपको अपनी फ़ोनपे अकाउंट में आना है। आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद नीचे आपको स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करना है। तो सी ऑल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ट्रैवल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बस टिकट, आप फ्लाइट टिकट या फिर होटल बुकिंग, ट्रेन टिकट सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ट्रेन टिकट करना चाहते हैं तो यहाँ पे IRCTC का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं कौन सा एरिया से कौन सा स्टेशन से जाना है, यहाँ पे सर्च करना है। तो चलो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली कर लेता हूँ। न्यू दिल्ली स्टेशन से मुझे यहाँ पे कहाँ तक जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो मुझे मुंबई तक जाना है, तो यहाँ पे हो गया न्यू दिल्ली से मुंबई तक। तो उसका डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा डेट में आपको जाना है। तो आज है 14 तारीख, यानी कि मैं 15 तारीख को कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे कौन सा क्लास से जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना है, ऑल क्लासेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप AC बोगी, स्लीपर बोगी, आप कौन सा बोगी में जाना चाहते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑल क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो सभी बोगी का यहाँ पे ट्रेन नज़र आएगा। और यहाँ पे आप जनरल, तत्काल, लोअर बर्थ, SR सिटीजन, यहाँ पे जैसे कि विकलांग सीट होता है, या तो आप लेडीज़ का सीट बुकिंग करना चाहते हैं तो लेडीज़ पे क्लिक करके आप अपना सीट देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद गाइस यहाँ पे सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है सभी फिलअप करने के बाद। तो सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद न्यू दिल्ली टू मुंबई तक जो जो ट्रेन है यहाँ पे सब कुछ नज़र आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम के हिसाब से नज़र आएगा, 5:15, 5:40, उसके बाद 6 बजता है, 7 बजता है, उतने हिसाब से आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे आप ड्यूरेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं कितना जल्दी आपको ट्रेन पहुँचाएगा, कौन सा ट्रेन जल्दी पहुँचाएगा, यहाँ पे फिल्टर के हिसाब से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली टू मुंबई तक का पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे 40 मिनट यहाँ पे लगेगा इस ट्रेन पे जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे, उसके बाद 16:50, उसके बाद 17 घंटे यहाँ पे इस ट्रेन पर लगेगा, 17 घंटे 45 मिनट यहाँ पे लगेगा, अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आप कौन सा ट्रेन से जाना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा टाइम पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 6:16 को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे ये खुला है, फ्राइडे सैटरडे को आप टिकट बना सकते हैं, दूसरे दिन आप बना नहीं सकते। फ्राइडे और सैटरडे ये ट्रेन चल रहा है। तो हम बैग में जाते हैं, दूसरा ट्रेन पे यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसी को क्लिक कर लेते हैं चलो। और ये ऑल डे चालू है ये ट्रेन, और आपको 15 घंटे 40 मिनट में पहुँचा देगा। और यहाँ पे आप सो नेक्स्ट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप नीचे देख सकते हैं दूसरा तारीख का कौन कौन सा यहाँ पे टाइम पे ट्रेन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है अवेलेबल है, और ये जो ट्रेन है ये वेटिंग लिस्ट में रहेगा, आप अगर ट्रेन टिकट बनाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा येलो वाला जो है। और यहाँ पे ग्रीन वाला अवेलेबल दिखा रहा है, ये जो ट्रेन है सब चालू है, यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आप कौन सा सीट पे जाना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फास्ट AC या फिर AC स्लीपर या फिर AC 3 टायर पे जाना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ 3A, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद गाइस आपको IRCTC का ID यहाँ पे आपको लिखना है। आपका IRCTC अकाउंट नहीं है तो आप IRCTC अकाउंट बना लो, तभी जाके आप ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो, नहीं तो ट्रेन टिकट आप बुकिंग नहीं कर सकते IRCTC बिना। तो यहाँ पे आपका IRCTC अकाउंट है तो IRCTC ID देना है, और यहाँ पे आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अभी तक IRCTC अकाउंट नहीं बनाया तो IRCTC अकाउंट बना लो, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बता दिया कि आप अपना IRCTC अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ID देने के बाद गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप अपना IRCTC ID भूल चुके हैं तो फॉरगेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप अपना IRCTC जो पासवर्ड है, आपको याद है तो आई रिमेम्बर माई पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड देके यहाँ पे आप अपना IRCTC अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलो मैं अपना IRCTC पासवर्ड दे देता हूँ। तो IRCTC अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, जो मोबाइल नंबर आपका IRCTC अकाउंट से रजिस्ट्रेशन है उसी मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, OTP देने के बाद फॉरगेट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस उसके बाद आपके मोबाइल में SI इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद ये सारा कुछ आपको फिलअप करना है। ट्रैवलर्स एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे जिसका टिकट आप बनाना चाहते हैं उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एनी बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सारा कुछ फिलअप करने के बाद ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद आप कौन सा बर्थ पे सीट लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आप लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, ऊपर बर्थ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एनी बर्थ पे क्लिक करके जो भी सीट खाली होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैवलर का जो एड्रेस है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी सब कुछ वगैरह यहाँ पे फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके फ़ोनपे में जो लिंक है वही नंबर वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे आप रिजर्वेशन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यह सारा फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो नॉन पे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आप नीचे कैंसिल करना चाहते हैं तो रिफंड पॉलिसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कितना तक आपको पैसा मिलेगा कैंसिल करने का यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैग में चलते हैं। और यहाँ पे आपका टिकट का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो तो यहाँ पे आपको 49 पैसा लग रहा है, ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको यस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आधा पैसा लग रहा है इंश्योरेंस का। यस करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये एड्रेस, आपका पिन कोड वगैरह सारा कुछ फिलअप करना है। तो चलो मैं अपना सारा कुछ फिलअप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये डिजाइनेशन एड्रेस है, आप जिसका टिकट बना रहे हैं उसका एड्रेस डालना है। ऊपर एड्रेस और पिन कोड डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप अगर एड्रेस पिन कोड डालते हैं तो यहाँ पे स्टेट सिटी वगैरह सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे गाइस आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना रुपए का टिकट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी के साथ सब जुड़ के यहाँ पे 2105.89 पैसा यहाँ पे आपको लगेगा, इतना रुपीस आपको लगेगा। प्रोसीड टू पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद तो पेमेंट करने के लिए आप अपनी वॉलेट से या फिर आप अपनी जो बैंक अकाउंट ऐड की हो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर देकर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप जो जीमेल आईडी यहाँ पे दिए हो उसी जीमेल आईडी पे आपका टिकट जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो टिकट मिलेगा पीडीएफ के थ्रू मिलेगा, वो टिकट को आप पेपर में निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल में टीटीआई को दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ईमेल आईडी में पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देंगे टिकट। तो जीमेल आईडी में आपको जो टिकट मिलेगा वही टिकट में आपका सीट नंबर लिखा होगा, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि आप अपना ट्रेन टिकट फोनपे में कैसे बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।